हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरे प्याज का भरवा पराठा नए तरीके से। एक बार आप मेरे तरीके से प्याज का पराठा बना करके खाएंगे तो हर बार आप प्याज का पराठा इसी तरीके से बना करके खाना चाहेंगे। ये इतना टेस्टी होता है। तो चलिए फिर आज हम हरे प्याज का पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हरे प्याज को अच्छी तरीके से धो करके ले लेना है। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से धो करके ले लिया है। यहाँ पर हमने पत्तों को ज़्यादा लिया है और वाइट वाला पार्ट हमने कम लिया है। तो इस पराठे में हम वाइट वाला पार्ट कम यूज़ करेंगे, पत्तों का यूज हम ज़्यादा करेंगे। तो इन्हें हम अब कट करेंगे, वाइट वाला पार्ट अलग से कट करेंगे और ग्रीन वाला पार्ट हम अलग से कट करेंगे। इन्हें एकदम बारीक बारीक कट करना है। वाइट वाले पार्ट को पहले हम अलग से कट करके हटा देंगे, ग्रीन वाले पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे बारीक बारीक कट किया है, ग्रीन वाला पार्ट हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से हम वाइट वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को कट करके रेडी कर लिया है, उन्हें हम रखेंगे साइड में। पहले हम पराठा बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। एक बड़े बाउल में हमने डाल दिया है गेहूँ का आटा। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच चने का बेसन। इससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन करके रेडी होता है। यहाँ पर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और कसूरी मेथी। इन्हें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी डालकर इनका हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। रोटी से हमें थोड़ा सा मुलायम आटा ही लगाना है, बहुत हार्ड आटा नहीं लगाना है। हमने आटे को लगा लिया है, उसे ढककर हम रेस्ट देंगे। जब तक वो रेस्ट ले रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। इसमें हम डालेंगे दरदरा कुटा हुआ लहसुन और अदरक। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम चला देंगे। कुछ सेकेंड्स इन्हें भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्ची को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कुछ सेकेंड्स भूनेंगे। इन्हें हमें गोल्डन नहीं करना है। अब हम प्याज का वाइट वाला पार्ट डाल देंगे जो हमने कट करके रखा है। इसे हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर अब आप चाहें तो चने का बेसन आप इसमें डाल करके भून सकते हैं। अगर आप भुना हुआ बेसन नहीं रखे हैं तो इसके साथ ही आप इसे भून सकते हैं इसमें डाल करके। इस स्टेज पर आप यहाँ पर डाल दीजिए और प्याज के साथ ही चने के बेसन को भी भून लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिया है भुना हुआ चने का बेसन, तो हम यहाँ पर बेसन को अभी इसमें नहीं डालेंगे। तो पहले हम प्याज को गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम भुना हुआ चने का बेसन डाल देंगे। इसे हमें भूनना नहीं है क्योंकि ये पहले से भुना हुआ है। भुना हुआ बेसन लेने से हमारा टाइम बच जाता है। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो यहाँ पर प्याज को डालने के 1 मिनट बाद आप बेसन को भी डालकर प्याज के साथ ही भून लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज की पत्तियों को जो हमने बारीक कट करके रखा है। गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे अभी। अब हम इसी समय इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, इससे ये चटपटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया कसूरी मेथी और नमक। नमक हमने आटे में भी डाला हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक आप ऐड करिएगा। प्याज का पत्ता है ये भी गल जाएगा। इसे हमने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से भुन गया है। इसे हम प्लेट में निकाल दिए हैं और इसे पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम इधर आटे को हम अपने फिर से मसल लेते हैं। इस पर हम
एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। आटे को हमने गूंथ लिया है, अब हम फटाफट से पराठा बना लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, सूखा आटा भी हमने ले लिया है, तो चलिए फिर फटाफट से हम पराठा बना लेते हैं। सूखे आटे को हाथ में लगाएंगे, आटे को थोड़ा सा हम तोड़ेंगे, लोई देंगे। इस तरीके से इसकी हम कटोरी बनाएंगे फिंगर से प्रेस करते हुए। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग को भरेंगे। इस तरीके से हम प्रेस करते हुए इसे हम कवर कर देंगे। सूखे आटा को लगाएंगे। अब हम हथेली से प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे, चकले पर रखेंगे। हल्का हल्का बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। हमें किनारे से बेलन को चलाना है, बीच से हमें बेलन को नहीं चलाना है, नहीं तो स्टफिंग हमारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बेलना है हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठे भी हमारे बेल चुके हैं। इसी तरीके से हमें सारे पराठे को बेल लेना है। तवे पर हम इसके डालते जाएंगे इसको, और ऑयल लगा लगा कर हम इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। यहाँ पर आप चाहें ऑयल या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर पीनट ऑयल लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने भी घी का यूज नहीं किया है। हम इसे सर्व करते समय इसके ऊपर से घी लगा करके सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सेक लिया है दोनों साइड से उलट पलट कर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा भरवा पराठा हरे प्याज का बन करके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सारे पराठे को बेलते जाएंगे और ऑयल लगा लगा कर हम दोनों साइड से सेकते जाएंगे। भरवा पराठा बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें। हम अपने चैनल पर बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग इसे आसानी से बना सकें और इसे इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पराठे को बना करके रेडी कर लिया है। आपने देखा कितना आसानी से पराठा बन करके रेडी हुआ है भरवा पराठा। आटे में गूंथ कर तो सभी बनाते हैं, इस तरीके से एक बार भरवा पराठा आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। यहाँ पर पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। इसके साथ आप चटनी, सॉस, दही या अचार किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो एक पराठा हम आपको कट करके दिखाते हैं, ये कितने सॉफ्ट पराठा बने हुए हैं। इसे आप लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, या फिर कहीं जा रहे हो तो भी आप इसे आसानी से बना करके ले जा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी पराठा हमारा बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही घर में तरह तरह के पराठे बनने लगते हैं। आलू गोभी के पराठे, बथुआ के पराठे, पालक के पराठे, प्याज के पराठे, तो आपने बहुत खाया होगा। एक बार आप हरे प्याज का भरवा पराठा भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।